Press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी कलाकार भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो शिक्षकों को भी लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। जी हाँ, बात करें तो अवध ओझा सर, जो कि यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, उनकी चर्चा तो थी ही, लेकिन इस कड़ी में अब पटना के खान सर की भी चर्चा आने लगी है। जी हाँ, बात करें तो माना यह जा रहा है कि खान सर भी इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दावेदारी ठोक सकते हैं। कौन सी सीट होगी और ऐसी जानकारी क्यों निकल कर सामने आ रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको पता होगा कि कल बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उस मंत्रिमंडल विस्तार में अशोक चौधरी जो जेडीयू के हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया। तो अशोक चौधरी के मंत्री बनने के बाद खान सर जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हुए थे, उनके आवास पर पहुंचे, बकायदा गुलदस्ता दिया और उनको शुभकामनाएं दी और कहा कि भाई अपना आपका जो मंत्रालय मिला है उसमें आप बेहतर तरीके से काम करें। इस कड़ी में वहां पर मीडिया चैनल्स वाले भी पहुंचे हुए थे और मीडिया चैनल्स वाले ने खान सर से पूछा कि आपको नीतीश कुमार का कौन सा काम बढ़िया लगता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है और जो शराबबंदी लागू हुआ था और इतना ज्यादा विरोध हुआ, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने उसको बंदी बना के रखा, यानी कि शराबबंदी जो है उसको कायम रहा, ये अपने आप में बड़ी बात थी। हालांकि उन्होंने एजुकेशन को भी लेकर बात की कि एजुकेशन में वैकेंसी जिस तरीके से बढ़ी है, एजुकेशन में जिस तरीके की चीटिंग की व्यवस्था थी उस पर लोग रिस्ट्रिक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो खान सर हैं वो नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते नजर आए और तारीफ भी क्यों ना करें, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार के मंत्री जी बैठे हुए थे। अशोक चौधरी से जब पूछा गया कि आप कई लोगों को नेता बनाए हैं, बनाते आए हैं, तो खान सर को भी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे लोग राजनीति में आए तो एक बहुत अच्छी बात भी है। जब सवाल किया गया चुनाव को लेकर खान सर से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव लड़ने का मन नहीं है। हालांकि ये हर नेताओं का बयान होता है, चुनाव से पहले इस तरीके की बातें होती है और टिकट मिलती है तो कहते हैं कि यार मिल गया तो लड़ लिए। और जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि सिवान लोकसभा सीट से, जी हाँ, जेडीयू के खाते में सिवान लोकसभा सीट है जहां पर कविता सिंह सांसद हैं और वहां पर शहाबुद्दीन कई दफा सांसद रह चुके हैं, तो वहां पर मुस्लिम वोटरों का भी जो वर्चस्व है वो काफी तगड़ा है। तो माना यह जा रहा है कि खान सर को सिवान लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और सिवान में जो खान सर हैं उनका ननिहाल भी बताया जाता है, तो वो वहाँ पर जाते रहते हैं। उनसे जब पूछा गया तो कहते हैं कि सिवान तो हम जाते रहते हैं, हालांकि चुनाव पर उन्होंने फिर भी हामी नहीं भरी है, लेकिन इस तरीके की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है और अंतिम मौके पर जो राजनेता हैं वो डिसाइड करते हैं कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके की बातें होती नजर आती है। बाकी आपको क्या लगता है, खान सर को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो सिवान लोकसभा सीट उनके लिए मुफीद होगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।